हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम सीखेंगे कि हम किसी भी डिवाइस की स्टोरेज से वीडियोस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स उन्हें कैसे लोड कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपके पास परमिशन होनी चाहिए रीड एक्सटर्नल स्टोरेज या राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की। एंड सेकेंड थिंग, आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आप उन वीडियोस को एक्सेस करके स्टोर करने वाले हो। एंड थर्ड थिंग, आपको एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो आपको उन वीडियोस को एक्सेस करने में हेल्प करेगा। एंड फोर्थ थिंग, हमें उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमारे रिसाइकलर व्यू में। सो ये सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, सो लेट जस्ट स्टार्ट। ओके, एंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट है। हमने ऑलरेडी परमिशन रिक्वेस्ट कर रखी है हमारी मैनिफेस्ट के अंदर, एंड मेन एक्टिविटी में भी रिक्वेस्ट परमिशंस। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो थिंग है, हमें एक क्लास बनानी है। एक्चुअल में मोर स्पेसिफिकली हमें एक डेटा क्लास बनानी है। सो न्यू कॉटलिन क्लास फाइल, एंड आई वॉन्ट अ डेटा क्लास, एंड इसका नेम मैं रखने वाला वीडियो। ओके, ये एक सिंगल वीडियो को रिप्रेजेंट करती है। एक वीडियो के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेगी कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। सो सबसे पहले उसके अंदर एक आईडी होगी जो होगी स्ट्रिंग टाइप की, एंड उसके बाद उसके अंदर एक टाइटल होना चाहिए, मिस वीडियो का टाइटल जो होगा अगेन स्ट्रिंग टाइप का। एंड उसके बाद उसके अंदर होगी वीडियो की ड्यूरेशन, सो ड्यूरेशन, एंड वो ड्यूरेशन टाइप की नहीं होगी, वो होगी लॉन्ग टाइप की। एंड उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं ज़ीरो रखने वाला हूँ। एंड उसके बाद फोल्डर नेम होगा कि किस फोल्डर में वो वीडियो रखा गया है। सो वैल फोल्डर नेम कोलन स्ट्रिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे साइज चाहिए, वीडियो की साइज कितनी, क्योंकि मैं उसे कहीं फ्यूचर में शो करना चाहता हूँ। सो साइज, एंड ये अगेन लेट्स से स्ट्रिंग ही रख लेते। एंड नाउ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन इज वीडियोज पैथ, ओके, मीन्स वीडियोज लोकेशन, एंड अनदर इज आर्ट URI या वीडियोस URI। सो पैथ विच इज स्ट्रिंग कॉमा एंड वैल, एंड मैं इसका नाम आर्ट URI रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, सो एक वीडियो की URI होगी जो URI टाइप की होगी। एंड हमारी डेटा क्लास बन चुकी है, इसके अंदर हर वीडियो का इतना डेटा मिनिमम हमें चाहिए वर्क करने के लिए। अब हमारी मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। हम एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे हम डेटा एक्सेस कर सके, मीन्स हमारा स्टेप नंबर 3। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे सारा काम करके रिटर्न कर देगा, सारे वीडियोस को रिटर्न कर देगा। सो प्राइवेट फन गेट ऑल वीडियोस, एंड ये रिटर्न करेगा एक एरे लिस्ट ऑफ वीडियोस। ओके, मीन्स जो वीडियोस हमने अभी जस्ट बनाए हैं उनके एक एरे लिस्ट रिटर्न करके हमें रिटर्न दे देगा। ये हमें सिर्फ इसे कॉल करना है, मैं यहाँ पर रिटर्न लिख लेता हूँ रिटर्न। एंड यहाँ पे मैंने एक्चुअली पैरेंथिसिस नहीं लिखे, सो जस्ट ठीक है क्योंकि एक फंक्शन है। एंड रिटर्न टेम्प लिस्ट, अब एक्चुअली हमने टेम्प लिस्ट बनाई नहीं है, सो रिटर्न करने का तो सवाल ही नहीं बनता। सो पहले बना लेते हैं, वैल टेम्प लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ वीडियोस, एंड इसे यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स फ्यूचर में ऐड करते रहेंगे। एंड नाउ कर्सर के ऑब्जेक्ट या कर्सर से डेटा एक्सेस करने के लिए कुछ चीज़ें नेसेसरी है। आपको कर्सर को बताना पड़ता है कि आपको कहाँ से डेटा एक्सेस करना है और क्या डेटा एक्सेस करना है एंड किस ऑर्डर में डेटा एक्सेस करना है। सो लेट्स से सबसे पहले हम लोग बताने चाहते हैं कि क्या क्या डेटा एक्सेस करना है। सो मैं एक प्रोजेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कर्सर को बताएगा कि कौन कौन सा डेटा एक्सेस करना है। आप नेम कुछ भी रख सकते हो, एंड ये एक एरे होगी। सो एरे ऑफ, एंड यहाँ पे सबसे पहले आइटम लेट्स से मीडिया स्टोर, मीन्स आपको बताना है कौन कौन सा डेटा आपको चाहिए। सो मीडिया स्टोर डॉट वीडियो डॉट मीडिया डॉट, एंड लेट्स से टाइटल दिख रहा है तो टाइटल, एंड उसके बाद मीडिया स्टोर डॉट वीडियो डॉट मीडिया डॉट साइज। एंड वन मोर थिंग, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने से बेहतर है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक एरर दिख रही है क्योंकि ये ऑफ कैपिटल है, एंड ठीक है। एंड यहाँ पे मोर थिंग्स हमें चाहिए, सो एक मुझे आईडी भी चाहिए डॉट आईडी। एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट बकेट डिस्प्ले नेम। सो ये जो बकेट डिस्प्ले नेम है एक्चुअल में फोल्डर का नेम रिप्रेजेंट करता है। एंड उसके बाद और भी चीज़ें हमें चाहिए, डेटा मीन्स इसके अंदर हमारा पैथ रहेगा, नहीं एक्चुअली डेप्रिकेट हो चुका है, बट ऑल राइट हमारा काम हो जाएगा।
एंड उसके बाद एक चीज़ और हमें चाहिए, सो डेट एडेड मीन्स कब वो ऐड हुआ है, ओके इसके भी हम यूज़ करने वाले. एंड उसके बाद और भी मुझे कुछ चाहिए, सो ड्यूरेशन एंड इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए मोर देन इनफ है. नाउ यहाँ पे कुछ वार्निंग्स है, सो हमें इस वार्निंग्स को रिजॉल्व करना है. सो सबसे पहले वार्निंग रिक्वायर्स एपीआई क्यू अनोटेशन, एंड उसके बाद ये वाली वार्निंग रिक्वायर्स एपीआई क्यू अनोटेशन, सो मोर एक्शंस एंड सप्रेस ओके एपीआई इनिट, एंड ठीक है हमारा काम हो जाएगा. सो अब जो नेक्स्ट थिंग है, हमें कर्सर को इनिशियलाइज करना है, मीन्स कर्सर को क्रिएट करना है. सो वैल कर्सर इज इक्वल टू यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी का नेम, सो दिस डॉट, एंड उसके बाद कंटेंट रिजॉल्वर डॉट क्वेरी, मीन्स हम कर्सर से क्वेरी करना चाहते हैं कि हमें कुछ चाहिए स्टोरेज के अंदर से. सो हम यहाँ पे सबसे पहले बताएं कि कहाँ से चाहिए. सो यहाँ पे मैं वो चीज़ पेस्ट कर देता हूँ, मीडिया स्टोर डॉट वीडियो डॉट मीडिया डॉट एक्सटर्नल कंटेंट URI, मीन्स हमें सारा डेटा चाहिए जो मीन्स वो जो इस फोन के अंदर अवेलेबल है. सो एक्सटर्नल कंटेंट URI कॉमा. अब उसके बाद आपको कर्सर को बताना है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रोजेक्शंस. सो हमने प्रोजेक्शन ऑलरेडी बना चुके हैं, एंड उसके बाद आप चाहो तो सिंपली नल नल पास कर सकते हो. बट मैं कर्सर को ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे किस ऑर्डर में ये सब चाहिए, ओके. सो मैं शॉर्ट ऑर्डर भी बताना चाहता हूँ कर्सर को, सो सिंपली एंड यहाँ पे मैं शॉर्ट ऑर्डर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ. सो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग का यूज़ कर सकता हूँ, एंड पहले मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो रहा है. डॉट डेट एडेड का यूज़ करने वाला हूँ मैं, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक प्लस साइन का यूज़ करूँगा जिससे स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे एक स्पेस नेसेसरी है नहीं तो वार्निंग आएगी. एंड DSC मीन्स डिसेंटिंग ऑर्डर में, मीन्स मुझे जो लेटेस्ट है वो सबसे पहले चाहिए, एंड इससे हमारा काम हो जाएगा, कर्सर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा. एंड यहाँ पे क्वेरी की यहाँ पे एक वार्निंग दिखा रही है, सो ये भी हमारा काम ठीक है. एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आ जाते हैं, एंड इस कर्सर से हमें डेटा एक्सेस करना है. सो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये कर्सर नल तो नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभार कर्सर नल मिल जाता है. सो इफ कर्सर इज नॉट इक्वल टू नल तो ही हमारा काम होना चाहिए. सो पहली कंडीशन ये है, एंड उसके बाद मैं चेक करूँगा इफ कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट. सो ये मूव टू नेक्स्ट फंक्शन हमारे कर्सर को नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करता है, एंड अगर वहाँ पे कोई डेटा ना हो तो ये फॉल्स रिटर्न करके देता है जिससे हमें पता चल जाए डेटा नहीं और हम आगे काम नहीं करेंगे. सो ये ज़रूरी है. एंड उसके बाद में एक डू वाइल लूप का यूज़ करने वाला हूँ. सो अगर आपने प्रोग्रामिंग की तो आपको पता होगा डू वाइल लूप, एंड इसके अंदर अगेन कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट मीन्स कंटिन्यूसली मूव करते रहो जब तक कि डेटा खत्म ना हो जाए, जब तक ये फॉल्स रिटर्न ना कर दे. एंड सिंस हमने एक बार कर्सर को मूव टू नेक्स्ट कर दिया था, इसलिए मैं डू का पहले यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स पहले कोड एग्जीक्यूट हो जाए एंड उसके बाद सेकंड पे मूव हो, ओके. अगर मैं वाइल का यूज़ करता हूँ तो फिर सेकंड पे मूव हो जाएगा, मीन्स हम एक वीडियो को मिस कर जाएंगे. एंड यहाँ पे हमें सारा काम करना है जो एक्चुअल में है, एंड इसके बाद इन द एंड जब कर्सर का काम खत्म हो जाए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कर्सर डॉट क्लोज, मीन्स कर्सर को क्लोज कर दो जब कर्सर का पूरा काम खत्म हो जाएगा, अगर वो नल नहीं है तो, ओके. एंड अब इसके अंदर हम लोग सारा वर्क करने वाले. वैल टाइटल सी मीन्स कर्सर, जो हमें टाइटल कर्सर रिटर्न करके देगा. सो कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, सिंस मुझे स्ट्रिंग में चाहिए तो मैं स्ट्रिंग का यूज़ करने वाला हूँ. एंड इसके अंदर हमें वो पास करना है कुछ, सो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स पास करना है. सो यहाँ पे सिंपली कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, एंड इसके अंदर हमें वो जो हमारा मीडिया स्टोर डॉट वीडियो डॉट मीडिया वाला पास करना है. डॉट टाइटल, सो ये जो सिंगल लाइन है हमें कर्सर से टाइटल रिटर्न करके देगी. ये सिंटैक्स है कर्सर से टाइटल या कोई भी चीज़ एक्सेस करने के लिए, हमें उसे एक कॉलम इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ता है एंड हमें बताना पड़ता है हमें वो कौन से फॉर्मेट में चाहिए. सो मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ, रिमेनिंग के साथ भी इसी से वर्क करूँगा, ओके. सो जस्ट कॉपी इट एंड जस्ट पेस्ट इट हियर एंड अगेन एंड वंस मोर. ऑल राइट, शायद इतने में हमारा काम हो जाए. सो नेक्स्ट जो है, मैं चाहता हूँ लेट्स से आईडी सी, ओके. सी मीन्स जस्ट कर्सर, मैं नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता इसलिए. एंड आईडी, सो अंडरस्कोर आईडी, एंड ठीक है. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है, बकेट नेम, बकेट डिस्प्ले नेम विच मीन्स फोल्डर का नेम. सो
फोल्डर सी एंड नेक्स्ट जो है साइज, आई वॉन्ट साइज टू, सो साइज एंड मैं इसका रख ले तो साइज सी, सो साइज एंड आफ्टर दैट आई वॉन्ट डेटा विच मीन्स पैथ, ओके सो डेटा एंड पैथ सी एंड दैट्स ऑल राइट एंड नेक्स्ट थिंग इज ड्यूरेशन, सो जस्ट पेस्ट इट हियर एंड ड्यूरेशन एंड सिंस मुझे जो ड्यूरेशन चाहिए वो स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, आई वॉन्ट इट इन लॉन्ग, ओके सो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एंड में लिख लूँगा टू लॉन्ग एंड इसे लॉन्ग में कन्वर्ट करके दे देगा क्योंकि मुझे एक्चुअल में लॉन्ग में ही चाहिए एंड ठीक है इतनी ही चीज़ें हमें चाहिए एंड उसके बाद हमें उस वीडियो का एक ऑब्जेक्ट बनाना है उसके अंदर ये सब इनिशियलाइज करना है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें 8 URI भी चाहिए, सो यहाँ पे मैं एक ट्राई क्लच ब्लॉक का यूज़ करूँगा आइटम्स को ऐड करने के लिए क्योंकि यहाँ पे एरर्स आना बहुत कॉमन है, सो ई कोलन एक्सेप्शन मीन्स अगर कोई एरर आती है डू नथिंग, उस ऑब्जेक्ट को इग्नोर कर दो और अगले ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाओ, मैं सिंपली इतना चाहता हूँ, सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ट्राई क्लच ब्लॉक का, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बनूंगा, सो वैल फाइल इज इक्वल टू एंड मैं इस पैथ का यूज़ करूँगा उस फाइल को बनाने के लिए, सो फाइल एंड पैथ सी, ओके एंड ठीक है एंड उसके बाद मैं इस फाइल को चेक करूँगा क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है, सो इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट, सो अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो इसे टेम्प लिस्ट में ऐड करो क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती फिर भी प्रॉब्लम आती है एंड एक्चुअल में हमने जो वीडियो है अब तक बनाया नहीं है, सो यहाँ पे हमें एक वीडियो पास करना पड़ेगा, सो हियर एक वीडियो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं 8 URI भी बना देता हूँ, वैल 8 URI इज इक्वल टू इस फाइल का यूज़ करेंगे उसके लिए, सो URI डॉट फ्रॉम फाइल मीन्स फाइल से URI को एक्सेस करो, सो सिंपली फाइल पास कर दो हमें 8 URI मिल जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे वैल वीडियो इज इक्वल टू एंड जो होगा एक वीडियो एंड उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, सो सबसे पहले उसके अंदर एक टाइटल है, सो टाइटल इज इक्वल टू टाइटल सी एंड ID इज इक्वल टू IDC, इसलिए मैंने नेम्स ऐसे रखे कि मुझे थोड़ा ईजी हो एक्सेस करने के लिए, फोल्डर नेम इज इक्वल टू फोल्डर नेम सी या फोल्डर सी एंड उसके बाद ड्यूरेशन इज इक्वल टू ड्यूरेशन सी एंड आफ्टर दैट साइज इज इक्वल टू साइज सी एंड पैथ इज इक्वल टू पैथ सी एंड आफ्टर दैट 8 URI इज इक्वल टू 8 URI सी एक्चुअल में एंड मैं इसका नेम चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे एक सी लगा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा एंड ऑल राइट, सो इफ दिस फाइल एग्जिस्ट उसके बाद ही उसे इसमें ऐड करना, सो वीडियो एंड ऑल राइट, सो ये जो फंक्शन है इसका काम पूरा हो चुका है, ओके ये जो फंक्शन है हमारे लिए पूरा वर्क करके दे देगा, ये हमारे लिए वीडियो को एक्सेस भी कर लेगा एंड फाइनली कर्सर को क्लोज करना मत भूलना, इट्स अ बिट इम्पॉर्टेंट स्टेप, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन बहुत मेमोरी कंज्यूम करेगी, सो इससे हमें वीडियोस मिल जाएंगे बट हमें वीडियोस कहाँ चाहिए वो हमें अभी देखना है, सो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर, एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट, सो अगर आपको नहीं पता कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सो कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स आर लाइक स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, वो सिर्फ एक बार ही क्रिएट होते कोई भी क्लास के लिए एंड आप उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हो अगर क्लास है या नहीं है, सो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, सो यहाँ पे लेट इनिट वैर एंड मैं उसका नेम रख लेता हूँ, लेट से वीडियो लिस्ट एंड वो होगा एरे लिस्ट ऑफ वीडियो, ओके लेट इनिट वैर का मतलब हम उसे बाद में इनिशियलाइज करेंगे एंड मैं इस वीडियो लिस्ट को रिक्वेस्ट रन टाइम परमिशन के बाद एक्सेस करना चाहूँगा, यूजर ने परमिशन दे दी हो तभी वो एक्सेस हो, सो मैं इसे यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ या कट कर लेता हूँ लेट से एंड मैं इसे नीचे वर्क करने वाला हूँ, सो मैं चेक करूँगा इफ रिक्वेस्ट रन टाइम परमिशन, ये फंक्शन हमने लास्ट वीडियोस में बनाया था जो परमिशन चेक करके बताता है, सो अगर यूजर ने परमिशन दी है तो ये वीडियोस लोड होनी चाहिए नहीं तो ऐप क्रैश हो जाएगी एंड यहाँ पे मैं वीडियोस लोड कराना चाहता हूँ अगर परमिशन मिली है तो ही, सो सिंपली वीडियो लिस्ट इज इक्वल टू गेट ऑल वीडियोस एंड दैट्स इट, हमारे लिए वीडियोस लोड कर देगा एंड ये सेट फ्रेगमेंट भी मैं इसके अंदर ही लिखना चाहता हूँ, जब परमिशन हो तभी फ्रेगमेंट सेट होना चाहिए, ओके अब इस वीडियोस को
हमें हमारे रिसाइकलर व्यू के पास इनिशियलाइज करना है, जो हमारा स्टेप नंबर 4 है। सो मैं वीडियोस फ्रेगमेंट में आ जाता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअल में वीडियोस पास कर रहे हैं। सो मैं इस टेम्प लिस्ट को हटा देता हूँ जो स्ट्रिंग्स की है, ओके। एंड यहाँ पे इस टेम्प लिस्ट की जगह पे मैं वीडियोस लिस्ट पास करना चाहूँगा। सो मेन एक्टिविटी डॉट वीडियोस लिस्ट, एंड अब मुझे कुछ एरर दिखाएगी। सो मैं इसे रिजॉल्व कर सकता हूँ सिंपली चेंज पैरामीटर। सो अब अगर आप यहाँ आके देखोगे तो ये स्ट्रिंग से वीडियोस हो चुका है, हमारी एरर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। बट एक न्यू एरर आती है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता टाइटल की जगह पे। सो डॉट टाइटल एंड टाइटल सेट हो जाएगा, एंड ऐसे हमें और भी ऑब्जेक्ट्स बना लेने चाहिए। सो वैल फोल्डर इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट फोल्डर नेम, ओके, ये हमने लास्ट टाइम बनाया था। सो दिस यहाँ पे मैं फोल्डर का नेम भी सेट कर देता हूँ, फोल्डर डॉट फोल्डर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वीडियो लिस्ट डॉट पोजिशन डॉट फोल्डर नेम, एंड फोल्डर नेम भी सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ड्यूरेशन भी सेट करना चाहता हूँ, सो वैल ड्यूरेशन इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट ड्यूरेशन। एंड यहाँ पे अब एक्चुअल में जो हमें ड्यूरेशन मिली है वो एक बहुत ही वियर्ड से फॉर्मेट में, वो बहुत सारे नंबर्स है, ओके, मींस वो एक मिली सेकेंड्स के अंदर है। हमें मिली सेकेंड्स में ड्यूरेशन सेट नहीं करनी, हम चाहते वो प्रॉपर आर मिनट एंड सेकेंड्स के फॉर्मेट में दिखाई दे। सो इसलिए हम लोग कुछ अलग फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। सो होल्डर डॉट ड्यूरेशन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे डेट यूटिल्स डॉट फॉर्मेट एलैप्स टाइम, एंड यहाँ पे हमें एक्चुअल में सेकेंड्स पास करने रहते हैं, बट हमें मिली सेकेंड्स मिले। सो फिलहाल के लिए मिली सेकेंड्स ही पास करते हैं। वीडियो लिस्ट हाइफन पोजिशन डॉट ड्यूरेशन, एंड इन मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 1000 से डिवाइड कर दो, एंड ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो फिलहाल के लिए इतना बहुत है। जो इमेज आईडी एंड रिमेनिंग पोर्शंस जो है हम लोग फ्यूचर वीडियोस में चेक कर लेंगे। सो अभी हमारी एप्लीकेशन को एक बार रन करके देखते हैं। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका नेम थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, बट हमारे वीडियोस लोड हो रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो इसका भी नेम थोड़ा सा अजीब है। सो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिक्स कर देंगे, बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि स्टोरेज से वीडियोज़ को एक्सेस करना वो हो रहा है। अगर मैं किसी पर क्लिक करता हूँ तो नथिंग हैपन्स, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ कोड किया ही नहीं है। एंड हमारी ड्यूरेशन टाइटल एंड जो वीडियो फोल्डर है सब कुछ परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है, एंड आइकन भी हम लोग फ्यूचर वीडियोस में सेट कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।